अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? तुम जवान जहान कवारी लड़की को यहाँ सच्चा बच्चा वार्ड में क्यों ले आई? क्या हो? वो मेरी तबीयत खराब थी ना, तो इसीलिए इसको साथ ले आई। शॉपिंग करने बाजार थोड़ी जा रही थी जो तैयबा को भी साथ ले आई। देखे ना, सारी शादीशुदा औरतें बैठी हैं। हमारे खानदान की लड़कियों का यहाँ भला क्या काम? देखा, इतनी सी उम्र है मेरी शाहपारा की, लेकिन अकलमंद कितनी है। तुम्हें कब अकल आएगी? वो मैं अकेली थी ना, तो इसीलिए इसको साथ ले आई मैं। अरे अकेली थी तो क्या हुआ? देखो बुरा मत मानना, इस्माइल मुझे बिल्कुल अपनी सगी माँ की तरह समझता है, इसलिए कह रही हूँ कि मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई भी खानदान की या मोहल्ले की औरत इस बच्चे के बारे में कोई ऐसी वैसी बात लगाए, कोई इल्जाम लगाए, कोई बुरी बात कहे। तुम्हें तो पता ही है लोगों की ज़बानें तो नहीं बंद कर सकते। अल्लाह माफ करे पप्पी अम्मा, वो मेरे साथ आई है, कोई अकेले थोड़ी आई है जब लोग बातें बनाएंगे। अरे माए ही तो पर्दे डालती हैं ऐसी बातों पे, और माँ के होने से भी कौन रियायत बढ़ता है, लोगों की जुबान तो नहीं बंद कर सकते। अच्छा आप लोग यहाँ कैसे आए? अरे ये शापारा आई हुई थी ना कराची से, तो तबीयत इसकी बहुत गिरी गिरी थी, मैंने सोचा इसको जरा डॉक्टर को ही दिखा लूं। अच्छा माशाल्लाह, कोई खुशखबरी है? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अरे तुम्हें तो पता है औरतों के सौ मसले होते हैं, और सब डॉक्टर को मिलेंगे तो पता चलेगा। क्या हुआ, बाहर दिखाई चली गई? नहीं जानता भैया, हमें क्या खबर।